Assalamualaikum everyone, मैं हूँ महक रूबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। 2020 की ये मेरी पहली वीडियो है। बहुत ज्यादा हिम्मत से और मोटिवेट होकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा, ताकि जो है साला साल मेरी पूरा साल चलते चलते मैं जो है बड़ी हौसला अफजाई के साथ वीडियोज बनाती रहूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड ये वीडियो है, मिस रोज का फाउंडेशन का रिव्यू और साथ में जो है मिस रोज की कंसीलर का भी रिव्यू। सो इन दो प्रोडक्ट को जो है आज हम ट्राई टेस्ट करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। सो आज की मेरी वीडियो में जो है आपको मिस रोज फाउंडेशन और कंसीलर का रिव्यू और ट्राई टेस्ट देखने को मिलने वाला है। सो प्लीज नए लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जो है मिस रोज का मैट फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो है इस तरह से पैकेजिंग में है, इसका शेड जो है बेज 2 है। साथ ही साथ मेरे पास जो है मिस रोज का लिक्विड कंसीलर भी है, ये भी मैंने जो है बेज 2 शेड में मंगवाया है। तो मैंने कहा इसको भी जो है साथ ही साथ ट्राई कर लिया जाए। इसकी पैकेजिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी पैकेजिंग इज लाइक एक ट्यूब में ही आता है फाउंडेशन, और इसमें जो है आपको 37 ml मिलेंगे। इसकी पैकेजिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है फुल कवरेज है या मीडियम कवरेज है। इसको हम यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, तो इसके बाद ही हम जो है बता सकते हैं कि इसकी कवरेज किस तरह की है। ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है, इसका लिंक वगैरह मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इफ़ यू वांट टू बाय। सो या तो इसको हम जो है ट्राई करेंगे। पहले जो है एक तरफ मैं हमारे फाउंडेशन ब्रश से लगाऊंगी और दूसरी तरफ जो है मैं हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी। प्राइमर मैं जो है अप्लाई कर चुकी हूँ। प्राइमर जो है मैंने डर्माकोल का सेटिन बेस प्राइमर यूज़ किया है, और साथ में मैंने जो है मॉइस्चराइजर भी अप्लाई किया है, क्योंकि मौसम ठंडा हुआ हुआ है, ड्राइनेस हो रही है, और आपके अगर ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर इज़ वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई बिफोर फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करूँ तो जो है एज सच इतना थिक फाउंडेशन ये नहीं है, लाइट वेट फाउंडेशन है। बहुत ज्यादा फेस पर पड़ा हुआ या रखा हुआ मुझे फील नहीं हो रहा है। तो इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लेंड करेंगे हमारे ब्रश से। एज सच कोई खुशबू वगैरह इस फाउंडेशन में नहीं है इतनी ज्यादा हार्श कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको जो है इरिटेशन हो। मे बी मैंने बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा ली एक तरफ, इसलिए इतनी ज्यादा अच्छी कवरेज आ रही है, बट बहुत अच्छी कवरेज है, बहुत जबरदस्त फ्लॉलेसली अप्लाई हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आपके लिए बेज 2 फाउंडेशन मेरे ख्याल से बड़ा परफेक्ट रहेगा। मैंने जो है एक तरफ ये फाउंडेशन ब्रश से लगाया है, और इसकी कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कवरेज बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और बहुत अच्छे से जो है इसने मेरे हाइपर पिगमेंटेशन को कवर किया है। और अगर आप देखें तो इतना ज्यादा मुझे जो है डार्क सर्कल्स कवर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस के लिए ये फाउंडेशन चूज करती हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपने जो है क्रीम की तरह अप्लाई करना है, या ब्यूटी ब्लेंडर या फाउंडेशन ब्रश जिसे भी अप्लाई करें, तो उससे जो है आप अप्लाई करके रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकती हैं। और अगर आप स्पेशल ओकेजन के लिए यूज करना है तो भी आप इसको जो है अपने ऑप्शन में रख सकती हैं। और ये फाउंडेशन वाकई में मैट है, इतना ज्यादा शाइनी और ड्यूई फाउंडेशन ये नहीं है। सो ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर हो जाएगा, और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेहतर है अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इसको यूज करें। तो दूसरी तरफ हम अप्लाई करेंगे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि आपको दोनों की जो है कवरेज का अंदाजा हो जाए। वैसे फाउंडेशन ब्रश जो है आपका वो इतना ज्यादा फाउंडेशन को पीता नहीं है, खाता नहीं है, तो इसलिए वो जितना आप लगाते हो उतना लग जाता है। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर जो है आपका फाउंडेशन पी लेता है, तो इसलिए फिर आपको जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ जाती है फेस पर। सो ये बात आप याद रखिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है आप अपना टूल यूज करें फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन जो है पी लेता है ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप देख सकते हो कि इस तरफ कितनी अच्छी फ्लॉलेस फिनिश आई है, और इस तरफ इस कदर अच्छी और फुल कवरेज फिनिश नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर तो फाउंडेशन पी चुका है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। सो इसको कवर करने के लिए मैं फिर से हमारे फाउंडेशन ब्रश से ही जो है अप्लाई करके सेट करूंगी, ताकि आपको जो है फ्लॉलेस रिजल्ट इसका क्या है वो बता सकूं। सो दिस इज द कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन। अगर आप नोट करें तो ये जो है मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। आपने जो है अगर इसकी कवरेज को बढ़ाना है तो आप जो है एक और लेयर फाउंडेशन की लगा लोगे, तो आपकी जो है हाइपर पिगमेंटेशन को ये अच्छे से कवर कर लेगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने बहुत अच्छी फ्लॉलेस मुझे फिनिश दी है मेरे फेस पर, बहुत ज्यादा लाइट है, इतना ज्यादा कोई हैवी मुझे फेस पर फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फिर से बता दूं, डर्माकोल जो है बहुत ज्यादा हैवी फील होता है एज अ लिक्विड फाउंडेशन, अगर मैं बात कर रही हूँ कंपेरिजन के हवाले से, तो डर्माकोल फेस पर लगाने से बहुत हैवी फील देता है, लेकिन ये मिस रोज का फाउंडेशन इतना ज्यादा हैवी फील नहीं दे रहा है, बहुत लाइट टेक्सचर फाउंडेशन है ये। अब जो है हम इसका कंसीलर ट्राई करेंगे। कंसीलर की जो है पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, कंसीलर जो है इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये जो है वाटरप्रूफ है, ऑयल फ्री है, ऐसा जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ में जो है ये 7 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है और ये भी मैंने जो है बेज 2 मंगवाया है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन और कंसीलर को अगर कंपेयर करें तो कंसीलर का शेड थोड़ा सा लाइटर है फाउंडेशन के बेज 2 से। और दूसरी बात ये कि ये कंसीलर और ये फाउंडेशन दोनों वार्म अंडरटोन फाउंडेशन और कंसीलर है, मतलब वो लोग जिनकी येलो अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, तो उनके लिए ये फाउंडेशन परफेक्ट रहेगा। कंसीलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो है इसने मेरे डार्क सर्कल्स को और मेरी हाइपर पिगमेंटेशन को कवर अप किया है। ये कंसीलर भी जो है मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर है, आप लेयर्स लगाकर जो है कवर अप कर सकते हो। और विदाउट मेकअप सिर्फ फाउंडेशन अगर आप देखो तो इस तरह की जो है ये कुछ लुक देता है। अगर आप गौर कर रहे होगे थोड़ा सा जो है ड्यूई फिनिश आ रहा है, थोड़ा सा ग्लोई मेरा फेस लग रहा है, तो ये जो है कंसीलर अप्लाई करने के बाद हुआ है, तो इसका मतलब कंसीलर ऑयल फ्री लिखा हुआ है, लेकिन एज सच ऑयल फ्री नहीं है, ऑयल बेस्ड कंसीलर है, इसलिए जो है इस तरह से शाइनी और ड्यूई लुक मेरे फेस पर आ रहा है। मेकअप करके मैं आती हूँ ताकि मेकअप करने के साथ इसका लुक कैसा आता है वो आपको दिखा सकूँ। ओके, सो दिस इज द लुक विद द मेकअप, और इस तरह से जो है ये फाउंडेशन कुछ नजर आती है मेकअप के साथ। और सच बताऊं तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा जो है फ्लॉलेस लुक दे रहा है, और साथ में ये कंसीलर भी जो है बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे से जो है कंसील किया है। सो यस, आई डू लाइक इट, और वर्थ बाइंग है मिस रोज का फाउंडेशन, और बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगी जो लोग लेना चाहें। फिर से बता दूं, रेगुलर बेसिस के लिए भी जो है ये फाउंडेशन यूज हो सकता है और स्पेशल ओकेजन के लिए भी ये फाउंडेशन यूज हो सकता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा जो है लुक दे रहा है ये फाउंडेशन, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा मेकअप इसके साथ। सो या आई रियली लाइक इट। सो बस आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो दिस इज मी मैक्रुबाब कादरी, सिंगल ऑफिस टू यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।